शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहमान और रहीम है। दोस्तों आज हमारे पास एक ECM आया है ईरो, जो सुजुकी में लगता है। दिखाना चाहेंगे आपके लिए, ये वाला ECM है जो ईरो 2 लगता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है रेडिएटर फैन वर्क नहीं कर रहा है। सारी वायरिंग चेक कर ली है, रोक के थी गाड़ी में। इसके बाद कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रेडिएटर फैन नहीं चलता है, ना ही एसी के साथ में ना ही विदाउट, नहीं चलता, जिससे गाड़ी हीट हो रही है और ओवर हीट हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है आज हमारे सामने, इसको खोलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये ठीक होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत तवज्जो से देखें और कुछ अपनी नॉलेज में इजाफा करें। आइए देखते हैं। जी तो इसमें क्या है कि फ्यूल पंप भी काम कर रहा है, मेन रिले भी आ रही है, चेक लाइट भी ठीक है, रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है, रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है, एसी के साथ भी नहीं चल रहा है और विदाउट एसी भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी गर्म पड़ रही है, हीट हो रहा है इंजन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वाकई में इसमें के चेक लाइट आ रही है, फ्यूल रिले ऑन हो रही है और माल फंक्शन लाइट। तो इसको हम ख़ुद भी यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो है इसकी जो पिन नंबर 19 मेन रिले की पिन है, 15 15, 16, 17, 18, 19, तो मेन रिले की हो गई ये 19, तो मेन रिले पर हमने पहले ऑन कर ले, इसको हमने ऑन किया, ठीक है जी, सप्लाई आ गई और मशीन पर लोड भी आ गए और ये मेन रिले भी आ गई है, ठीक है, मेन रिले आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि फ्यूल पंप के लिए सप्लाई जा रही है, ग्राउंड रिले के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है। और दोबारा ऑन करेंगे फ्यूल पंप की, आके फौरन चली जाएगी लाइट, ये आई और चली गई, यानी कि फ्यूल पंप भी ओके है। एक बार और देख लें, ये हमने यहाँ लगा रखा है फ्यूल पंप वाली पिन पर, फ्यूल पंप वाली पिन पे ये लगा रखा है हमने, ठीक है जी। अब हमने इसको ऑन किया, ओके आ गई और चली गई, यानी कि फ्यूल पंप भी हमारा ओके है। माल फंक्शन की लाइट हम और देखते हैं, माल फंक्शन यानी चेक लाइट भी ओके हमारी, तो ये यहाँ तक अभी हमारा ठीक है, मतलब जैसा कि बताया कि वो सब सही है। अब हमें जो है वो ये देखना है कि जो रेडिएटर फैन क्यों नहीं चल रहा है, रेडिएटर फैन क्यों नहीं चल रहा है। इसके लिए रेडिएटर के लिए इस बोर्ड में, इस ECM में ये जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, ट्रांजिस्टर मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, ये वाला, इसका नंबर है T61 T61
एट ये यूज किया गया है, ये वाला T618। अब हमें इसकी सप्लाइयाँ देखनी है कि इस पे ग्राउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये अब हम इसे देखते हैं। तो इसके लिए मीटर को हमने लिया। सबसे पहले एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर सप्लाइयाँ चेक कर लेते हैं, सप्लाइयाँ चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये ग्राउंड पर रखा, ग्राउंड पर रखा, और सबसे पहले इस कैपेसिटर पे सप्लाई चेक कर ली, 3.2 पॉइंट के आसपास आने चाहिए यहाँ पर। सॉरी, ऑन किया हमने, और ये 2.3 सप्लाई, ओके है, ठीक है जी। इसके बाद इधर देख लें हम, ठीक है, 5 वोल्ट ये भी ओके है। अब हम इस कैपेसिटर पर देख लें, ये देख लें कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, 12 वोल्ट ये भी ओके है। और यहाँ और देख लेते हैं इस पर, ठीक है, 2.2 वोल्ट ये भी है। तो सप्लाइयाँ सही हैं, मेन रिले वर्क कर रही है, फ्यूल पंप भी वर्क कर रहा है, माल फंक्शन लाइट भी है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ रेडिएटर फैन वर्क नहीं कर रहा है। तो रेडिएटर फैन का जो ट्रांजिस्टर T618 है, तो ये ट्रांजिस्टर है, राइट, इसके बेस पर सिग्नल CPU से आएगा। ठीक है, सिग्नल CPU से आएगा, CPU की पिन नंबर 14, CPU की पिन नंबर 14 से सिग्नल T618 के बेस पर आएगा, राइट। इसके लिए एक बेस पर रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो यह हमने ग्राउंड रखा, ये इसकी पिन नंबर 40 पर, हमने सीपीयू की पिन नंबर 40 से रेडिएटर ट्रांजिस्टर के लिए ये 5 वोल्ट आउट होंगे, ये 5 वोल्ट आउट होंगे। अब हम ये देखते हैं, ट्रेस करते हुए आते हैं, तो ये जो है वो हमारे तो वही है, यहाँ पर होते हुए ये ऐसे होते हुए ये यहाँ पर आ रहे हैं 4.924। ये क्लियर है बिल्कुल, ये हर हाल में आना चाहिए। इसके बाद जब इसके हम दूसरी तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर ये 4.9 यानी कि 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि ग्राउंड एक मिलेगा, ग्राउंड यहाँ पर अर्थ मिलेगा। अर्थ के लिए हम इस पे प्लस पर रेड वायर रखेंगे, राइट, यानी कि 12 वोल्ट पर। और हमने यहाँ पर देखा कि ग्राउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हमारे 11 वोल्ट आ गए, यानी कि ग्राउंड आ गए, ग्राउंड आ गया ये बेस पे, यानी कि ट्रांजिस्टर के दूसरी तरफ, रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ ग्राउंड आ गया। ठीक है जी, अब इसकी ये वाली साइड फ्लोटेड ग्राउंड रहती है, ओके, कलेक्टर इसका आउटपुट है। अब जब इसके कलेक्टर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी बोल्ट रिसीव नहीं हो रहा है,
चाहे हम इसे ग्राउंड पे देख लें, ये नहीं रिसीव हो रहा है। ये रिसीव ऐसे देख लें, ये रिसीव नहीं हो रहा है, यानी कि बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें रेडिएटर फैन नहीं चलेगा, रेडिएटर फैन नहीं चलने वाला इसमें। अच्छा, अब ये तो क्लियर है कि हमारे 5 वोल्ट यहाँ पर आए, सीपीयू से आउट हो गए या ग्राउंड बदल गए, यहाँ तक कहानी ठीक है। आउटपुट नहीं दे रहा कलेक्टर, यानी कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। यहाँ पर एक बात और थोड़ी सी नोट करने वाली बात है कि अगर रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है तो हर हाल में ज़रूरी नहीं कि ईसीएम ही ख़राब हो, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेडिएटर फैन का इनपुट कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की इंफॉर्मेशन जो सीपीयू को रिसीव हो रही है इनपुट है, और उसी इनपुट के बेस पर सीपीयू आउटपुट देगा रेडिएटर फैन के लिए। अगर ईटीसी सेंसर से सिग्नल रिसीव नहीं होगा तो ये आउटपुट भी नहीं देगा, ईटीसी सेंसर गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो ये वर्क नहीं करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार में ये ट्रांजिस्टर ही ख़राब हो, अक्सर काम करने वाले लोग फ़ैन काम नहीं करता है, इसको बदलते रहते हैं। कभी कभी ईटीसी सेंसर ठीक है, यहाँ तक कनेक्शन भी ठीक है, सर्किट में अगर सीपीयू को इनपुट नहीं मिला, ईटीसी का इनपुट नहीं मिला तो ये आउटपुट नहीं देगी गाड़ी में लगे होने की पोजीशन में। फिलहाल क्लियर हुई बात? अब हम ये यहाँ पर इस को हम चेंज करके देखते हैं। ओके, अभी ये लगा दिया है और इसे हटा दें, इसका हमने इस वाले से निकाला है ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, जो कि ये है ट्रांजिस्टर, ये है गर्म होके चिपक गया, ये जो कि ये है। ओके, ये ओपन दिखा रहा है, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है,
दोनों साइड से ख़राब है। ओके अच्छा थोड़ा सा साफ कर लें सर। साफ करने करने के बाद और इसे हमने ऑन किया, इसे भी ऑन किया, यहाँ से ऑन किया, ठीक है जवान हो गई थी। अब इसके बाद हम जो है वो एक बार फिर एक प्रॉप को हम यहाँ रखते हैं। पहले तो ये सप्लाई देख लें कि यहाँ पर फाइबर तो आ ही रही थी, फाइबर है ठीक है जी। आउटपुट हमने अगर ग्राउंड देख लिया ठीक है जी, इसके बेस पर भी ठीक है, इसके आउटपुट पर ओके, इसके आउटपुट पे भी ठीक है जी, ओके ओके वेरी गुड। वो ट्रांजिस्टर ही खराब हुई है, इसके आउटपुट पे भी ही ग्राउंड आ गया, ग्राउंड आ गया जी। रेडिएटर फैन चल जाएगा, अब रेडिएटर फैन चल जाएगा, इसका थोड़ा सा ही हम एक कुछ चला के दिखाते हैं। एक फैन लेते हैं ठीक है, ऐसे रेडिएटर फैन मान लेते हैं ओके। तो क्या करा है? क्या करते हैं हम इस पर हम एक पल को मीटर हटाते हैं यहाँ से, मीटर को हमने हटा दिया, और हटाने के बाद ये जो है हमने ये हमने बैटरी से सप्लाई ली ठीक है। थोड़ा सा दिखा दूँ मैं, थोड़ा सा दिखा दूँ मैं, क्लियर कर दूँ मैं जी। ये दो वायर है, ये वायर जो है इसको हमने ये बैटरी से सप्लाई दे दी, सप्लाई दी हमने, एक बंद कर ले मैंने, सप्लाई दी ओके। और दूसरा वायर को हमने ये उठाया, एक वायर पे सप्लाई दे रहे हैं और दूसरी वायर को हम ये उठा लिया, ऐसे मैं ऊपर लेता हूँ, ऊपर लेता हूँ। एक बार और देख लें कि इस वायर को सप्लाई दी, सिर्फ एक वायर को हमने, ये बैटरी से मान लीजिए गाड़ी की बैटरी से ये वायर आ रहा है, ये दो वायर है यहाँ पर ठीक है, दो वायर है, ये एक वायर को सप्लाई दे दी बैटरी से और दूसरे को हमने लिया ये थोड़ा इसे मैं ऊपर रखता हूँ और ऐसा ऑन करता हूँ, ऐसा ऑन कर दिया, ऐसे भी ऑन कर दिया, लोड आ गया मशीन पर। अब मैं जो हूँ वो मैं डायरेक्ट यहीं ले लेता हूँ, दूसरा वायर जो है वो ये जो ट्रांजिस्टर है ये T618 पर मैं लगाता हूँ कि आउटपुट पर कि इसका ग्राउंड ओके है या नहीं है ओके ओके। ये एक बार और देख लें, ये इसी तरह से अगर रिले बीच में हो रिले का जाएगा और ये रिले ऑन हो जाएगी, रेडिएटर फैन चल जाएगा
बार 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 देख लें, ये आउटपुट पे ही दे रहे हैं और कहीं नहीं दे रहे हैं। आउटपुट पर टच करते ही ये चल पड़ता है। ओके जी, मशीन पे भी हाई एम्पियर हो जाता है। इट्स ओके, ये हमारा ग्राउंड ओके। तो इस तरह का आज का ये फॉल्ट था और ट्रांजिस्टर ही ख़राब था ये वाला। उम्मीद करते हैं आगे किसी और इस सिम पे कोई आएगा उस पर काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो क्लियर हो गया जी।